बनाना चाहे उतना बड़ा आप एक बाइट ले सकते हैं। तो मैंने इतना सा लिया, एक पिज़्ज़ा लार्ज पिज़्ज़ा टाइप बन जाए। तो मैंने एक पिज़्ज़ा का जो है डो बना रहा हूँ, पिज़्ज़ा बेस बना रहा हूँ। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस आप अच्छे से उसको बेल लीजिए। एक पिज़्ज़ा का अच्छा मीडियम टाइप का साइज़ उसको बना सकते हैं, जो कि मैं मीडियम टाइप का साइज़ बना रहा हूँ। और उसके बाद आपको घर में कोई फॉक या स्पून वगैरह कोई पतला नुकीला चीज़ होगा तो इससे ऐसे इसको छेद कर लीजिए, जो कि है इसमें ये अच्छे से सीखेगा। अब इसको हम पिज़्ज़ा को एक बार बेस को अच्छे से 1 मिनट तक सेक लेंगे, अल्टी पल्टी करेंगे इधर उधर से अच्छे से, दोनों तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। इसमें दाग नहीं आना चाहिए, बाइट ही रहना चाहिए। तो अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो मैंने ढक्कन से थोड़ा 1 आध मिनट के लिए ऐसे सेक लिया। देखिए किस तरह से ये बढ़िया मतलब पिज़्ज़ा बेस बन चुका है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। सबसे पहले डालेंगे हम टोमेटो सॉस, नेक्स्ट डालेंगे रेड चिली सॉस, उसके बाद डालेंगे हम ग्रीन चिली सॉस, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिल ओ सॉरी ओरिगेनो, नेक्स्ट है चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम इसको अच्छे से अपने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से पूरा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से फैला दीजिए। आप और किसी तरीके से बना सकते हैं, टमाटो से भी बना सकते हैं आप पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन मैंने ऐसे रेडीमेडली ऐसे बनाया है। तो उसका रेसिपी मैं और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट आप जितने भी जूलियन कटिंग है वेजिटेबल्स उसी सॉस में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, फिर अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर उसको फैला दीजिए चारों तरफ अच्छे से। देखिए किस तरह से फैला दिया है मैंने, आप उसी तरह से सेम उसको फैला दीजिए। और नेक्स्ट मैं उसमें ऐड करूँगा मोज़रेला चीज़, जो कि अब स्टोर में आसानी से मिल जाएगा आपको, किसी भी स्टोर में आपको मिल सकता है, वहाँ पता कर सकते हो, या आप इसमें अमूल चीज़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मोज़रेला पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद मैं इसमें मशरूम ऐड कर रहा हूँ, जो जो कि मैंने मशरूम काट के रखे थे वो मशरूम इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स डालूँगा, थोड़ा सा ओरिगेनो डालूँगा। फिर मैं अपना तवा गरम कर लिया हूँ। देखिए मैं तवा में समथिंग 5 मिनट एकदम लो फ्लेम में छोड़ दिया हूँ। अब देखिए 5 मिनट के बाद पिज़्ज़ा कितना क्रीमी, मतलब इसका चीज़ कितना क्रीमीली गल गया है, कितना कैरमलाइट हो गया है। तो सो मैं इसको निकालूंगा। सो रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। देखिए अपने कुछ भी घर में कोई कोई चक्कू हो तो उसको पिज़्ज़ा को ऐसे कट कर लीजिए, अच्छे से कट कर लीजिए पिज़्ज़ा को। देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बन के आया है। सो देखिए रेस्टोरेंट से भी बढ़िया आपको बढ़िया पिज़्ज़ा बन गया है। देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना, और आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो आपको मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।